तो दोस्तों आपका की गाड़ी में जो मोटर लगा है, गियर बॉक्स लगा है, उससे का आपका ऑयल टपक टपक के गिरती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों देखिए, ऑयल सील जो होती है हमारा, ऑयल सील चेंज करने से ये आपका ऑयल जो टपक टपक के गिरती है ये नहीं गिरेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा मोटर और गियर बॉक्स के बीच में जो हमारा ऑयल सील लगा होती है, उन ऑयल सील को आप कैसे चेक करें और इसको कैसे चेंज करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप अगर इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑल कर देना, क्योंकि हमारा इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहिए। तो दोस्तों आपको मोटर में जो ऑयल सील लगा होती है, इसको चेंज करने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इस मोटर में तो ज़्यादा ऑयल गिरा नहीं है, क्योंकि इस मोटर में आज ही इसका ऑयल सील कटा है। इसलिए आपका बहुत दिन हो गया ऑयल सील कटने का उम्र, तो देखिए आपका जो मोटर है और गियर बॉक्स है ऑलरेडी ऑयल से पूरी तरह से भीग चुका है दोस्तों। तो उसका ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि आप नहीं चेंज करती है तो आपका जो गियर बॉक्स में ऑयल है वो तो पूरी खाली हो जाएगा गिर के। और आप एक चीज़ का आपको डरना है दोस्तों, जो आपका मोटर के अंदर ऑयल जाने से आपका मोटर भी पूरी तरह से जल सकती है दोस्तों। और भी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा, गाड़ी रुक जाएगा, चलेगा नहीं, बहुत सारी आपका प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको चार नंबर एलंकी के साथ हमारे जो नट होती है उसको खोल लेना है। तो कौन सी नट आपको खोलना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस मोटर में हमारे पांच की नट होती है अटैच रहती है, सामने वाले तीन, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, और पीछे वाले में दो रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले इन नट को मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए, आप जब भी ऑयल सील चेंज करें तब भी आप एक बार चेक कीजिए मोटर के अंदर ऑयल गया कि नहीं। आपको चेंज करना नहीं आता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे आप चेक करें उसमें मोटर में ऑयल गया कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं चार नट को खोल लिया हूँ, अभी और दो बाकी है, उन दो के खोल के आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका पूरी तरह से जितना भी नट है सब कुछ निकाल दिया हूँ, उसका बाद आप लोगों को दिखाऊंगा ऑयल सील कैसे चेक करें आप, ये कटा है कि नहीं कटा है, ये भी आपका ज़रूरी है दोस्तों चेक करना, क्योंकि देखिए हर किसी को तो आता है चेंज करना, लेकिन चेक करना सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको चेक करके ही काम करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरफ आपको देखेगा जो गियर बॉक्स में होल्ड रहती है हमारा, उस होल्ड पे आपको ये रबर जैसा कुछ दिखने को मिलेगा, मैं निकल कर दिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ी वेट कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह का रबर आपको दिखने को मिलेगा। तो ये जो रबर कैसे ख़राब होती है, क्या इसमें डिफरेंस हो गया है इसलिए ऑयल आती है, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए, एक मैं नया ऑयल सील ले लिया हूँ, इसका नंबर नहीं पता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं इसका नंबर क्या है। इधर पे देखिएगा एक रबर है और इधर पे देखिएगा एक बीट है। तो इन बीट हमारा खो जाने से ही इस तरह की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो आपको जब भी आप मोटर का गियर बॉक्स का काम कीजिएगा, थोड़ा बहुत पूछ लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता चले कि इसमें ऑयल गिर रहा था पहले, अभी गिर रहा है कि नहीं। आप गिरेगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो मैंने क्लीन किया था कल ही इसको लगाने के समय, तो अब ये हो रहा है कि नहीं आपको अच्छी तरह से मालूम चलेगा दोस्तों। इसी तरह से जिस तरह से आपका ये सेट हुआ था उसी टाइप के आप लोगों को मिल जाएगा, उसी टाइप से आपको ये सेट कर देना है अच्छी तरह से। सेट करने के बाद आपको देखना है और उस तरफ उंगली डाल के कि क्या इसमें सेट हुआ कि नहीं, उसका बाद आपको ये मोटर उसमें डाल देना है दोस्तों। तो मोटर को भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो जो कुछ भी आप काम कीजिए उससे पहले थोड़ा बहुत उसको क्लीन कीजिए, क्योंकि क्लीन कीजिएगा आप काम से तो आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो उसका बाद मैं मोटर को डाल लेता हूँ। आपको ध्यान से मोटर को डालना है दोस्तों, क्योंकि आप जो ऑयल सील है वो आप अंदर ना भेज दे मोटर की शाफ्ट के ठेल से। तो आपको ध्यान से डालना है, ये नहीं घुस रहा आपका शायद, तो थोड़ा चक्का को घुमा सकती है
वो ऑटोमेटिकली घुस जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा हिला लड़ाने से, थोड़ा सा हिलाएंगे आप मोटर को तो आसानी से घुस गया। देखिए अब मैं इसमें स्क्रूप डाल देता हूँ, तो देखिए हमारा पूरी अच्छी तरह से ये फिटिंग हो चुकी है। फिटिंग होने के बाद देखिए आपको इस तरह के बड़ा नट आपको मिलेगा, ये भी नट लगा देना है। इसमें 10 नंबर की गूठी से पकड़ती है दोस्तों, आपको 10 नंबर गूठी से अच्छी तरह से टाइट कर लेना होगा। मैं कर लिया हूँ टाइट और दो नट बचती है, आपको भी लगा देना है इसमें। तो ये हमारे एलंकी के साथ नट है, तो एलंकी के साथ में टाइट करता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये हमारा अभी ऑलरेडी फुल टाइट नहीं हुआ है, इसमें आधा आधा टाइट करता हूँ मैं। उसका बाद जब भी इसमें सारी नट डाल लूँगा उसका बाद मैं इसको अच्छी तरह से कस लूँगा, क्योंकि इसमें कहीं पे गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। मोटर कहीं कहीं देखेगा बीच रास्ते पे किसी किसी गाड़ी का मोटर निकाल जा रहा है। वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आप अगर इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा इसी तरह का वीडियो अपलोड आपको मिलते रहेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में और भी लोगों को पता चले।